प्रकार से 2 साल से मोदी सरकार अहंकार प्रयोग हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अब समय आ गया है क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है, और वो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में जो मुद्दे उन्होंने देश को दिए थे कि महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है वो हार्ड फैक्ट का समय आ गया है। हम 500 स्टेट्स में तब से लड़ेंगे, सरकारें बनाएंगे और 2024 में इंडिया जीतेंगे। मोदी जी आज तक तो कुछ देखे गए नहीं, 5-6 सभाएं भी जो फ्लोक रही है। मोदी जी पिछले चुनाव से पहले अजमेर और जयपुर में कह के गए थे कि ERC को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ERC को राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं की। अभी भी हम उम्मीद करते हैं, अब देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर वो कुछ घोषणा करते हैं तो आने का मतलब है, वरना तो वो चुनावी वोट में रहते हैं 24 घंटे, और 365 दिन तो हो सकता है चुनावी वोट में आए। लेकिन अब जनता हकीकत समझ चुकी है और कि वो जुमलेबाजी की सरकार है। देखिए CWC की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, और चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी तैयार है। जो 4-5 स्टेट्स के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में फीडबैक लिया गया, कैसी तैयारियां चल रही है उसके बारे में चर्चा की, और राहुल गांधी जी खड़गे साहब का पूरी तरीके से यही संदेश था कि जिस प्रकार से 2 साल से मोदी सरकार अहंकार प्रयोग हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, अब समय आ गया है क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है, और जो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में जो मुद्दे उन्होंने देश को दिए थे कि महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है वो हार्ड फैक्ट का समय आ गया है। हम 500 स्टेट्स में तब से लड़ेंगे, सरकारें बनाएंगे और 2024 में इंडिया जीतेंगे। मोदी जी आज तक तो कुछ देखे गए नहीं, 5-6 सभाएं हुई जो फ्लोक रही है उनकी, आप सीकर की देख लीजिए, अजमेर की देख लीजिए, और हमारी सभाओं में लोग आ रहे हैं, उनके में उनकी फूट उजागर हो रही है, आपस में उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, जनता का उनको कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी पिछले चुनाव से पहले अजमेर और जयपुर में कह के गए थे कि ERC को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ERC को राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं की। अभी भी हम उम्मीद करते हैं, अब देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर वो कुछ घोषणा करते हैं तो आने का मतलब है, वरना तो वो चुनावी वोट में रहते हैं 24 घंटे, और 365 दिन तो हो सकता है चुनावी वोट में आए। लेकिन अब जनता हकीकत समझ चुकी है और कि वो जुमलेबाजी की सरकार है, और राजस्थान की सरकार काम करने वाली सरकार है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, काम किया दिल से कांग्रेस सरकार।